रानी जी, गुरुमई जी और अर्चना सिंह जी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और अब मैं राजू जी से कुछ आग्रह करूंगा, कुछ फिल्म के बारे में बताएं। रितेश जी, आप इस फिल्म के बारे में कुछ बोलिए। राइस फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर तले जो बनी हमारी फिल्म है रियल इंडियन मदर। सबसे पहले डायस पे उपस्थित हमारे सारे अतिथिगण का स्वागत करूंगा और सभागार में उपस्थित हमारे दोस्त, हमारे भाई, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। फिल्म के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम एक ऐसी फिल्म बनी है जो पूरी फैमिली के साथ देखने लायक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जो किरदार रानी जी ने निभाया है, मेरे जानकारी में जहाँ तक फर्स्ट टाइम इन्होंने एक माँ और एक बेटी और एक यंग भारतीय आर्मी का जो रोल अदा किया है वो काबिले तारीफ है और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है, इसे प्राणी ही कर सकती। दूसरी बात, हमारे बहुत और को आर्टिस्ट थे, संजय पांडे जी, मनमोहन तिवारी जी, आर एस चौहान जी, देव जी, प्री रंजन जी और तमाम हमारे और आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से पूरी फिल्म में जान डाल दी। और जल्दी हम अनाउंसमेंट इसलिए डेट का नहीं कर रहे हैं, कुछ बार बार डेट चेंज हो जा रहा है कुछ कारणवश, तो जल्दी हम इस फिल्म को आपके सिनेमाघरों में दिखने को मिलेगा और इसका भव्य पैमाने पे हम लोग पब्लिसिटी करने जा रहे हैं और लार्जेस्ट पैमाने पे इसको हम पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जितनी भी टेरिटरी हैं कोशिश करेंगे एक साथ हम रिलीज करें। आप साथियों से यही गुजारिश है, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शकगण हैं भोजपुरी समाज के, भोजपुरी भाषा के, इस फिल्म को देखें और पूरे फैमिली के साथ देखें और इस फिल्म के बाद शायद भोजपुरी के इतिहास में बहुत सारा चेंज आएगा। धन्यवाद। जय रानी जी, दीजिए। आप कहाँ पीछे आ रहे हैं? फिल्म का सीडी रिलीज करने जा रहे हैं और मैं आप सबों से उम्मीद रखता हूं कि जोरदार तालियों से सीडी रिलीज का स्वागत किया जाए।